सभी को नमस्कार। एक थैंक्स विवेक भैया, संदीप भैया एंड टीआरडी का, एंड मेरे राइटिंग पार्टनर्स अर्पित तिवारी और अंशुल राय का थैंक्स। आप सभी को थैंक्स ना, थोड़ा सपोर्ट करना यार, है ना। तो मैंने लिखा है कि जो हर बार उठ जाए उसे मनाना क्यों, जो समझता नहीं उसे समझाना क्यों, जो दूर जाना चाहता है उसे पास बुलाना क्यों, जिसे रिश्ते की कदर ना हो उससे रिश्ता निभाना क्यों। थैंक यू। एक और लिखी मैंने कि यूं बाल खोलकर तुम कमाल लगती हो, IIT के एग्ज़ाम का सवाल लगती हो, जीन्स टॉप में तुम बेमिसाल लगती हो, लिपस्टिक बिंदी लगाकर तुम बवाल लगती हो। थैंक यू। एक और लिखा है कि ये जो मुझे बदनाम कर रहे हैं, ये नादान मेरा ही नाम कर रहे हैं, हर महफिल में मेरा ही गुणगान कर रहे हैं, ये मेरी ही कामयाबी आसान कर रहे हैं। थैंक यू। एक और लिखे कि अपनेपन की बात करते हैं पर यहाँ कोई अपना नहीं है, अपनेपन की बात करते हैं पर यहाँ कोई अपना नहीं है, मैं अब किसी को अपना बना लूँ ऐसा कोई सपना नहीं है। थैंक यू। और एक लिखे कि आओ तुम्हें बताएं हम कितने पैसे कमाते हैं, आओ तुम्हें बताएं हम कितने पैसे कमाते हैं, तुम्हारी हैसियत से महंगे हमारे जूते आते हैं। थैंक यू। और एक लिखे कि नए यार से मिलकर पुराने को छोड़ जाना, नए यार से मिलकर पुराने को छोड़ जाना, कितना आसान है आजकल दिल तोड़ जाना। थैंक यू। एक लिखे कि मेरे अकेलेपन में वो मेरे साथ नहीं होती, जब होनी चाहिए तब हमारी बात नहीं होती, जिसमें उसकी याद ना आए ऐसी कोई रात नहीं होती, काश मेरी और उसकी कभी मुलाकात नहीं होती। थैंक यू। एक और लिखे कि साथ निभाने का वादा करके वो बीच सफ़र में छोड़ गई, वो मुझे सारे हसीन ख्वाब दिखाकर तोड़ गई, किसी और को पाकर वो मुझसे मुंह मोड़ गई, मुझसे जी भर गया तो किसी और से दिल जोड़ गई। थैंक यू। एक लिखे कि जिंदगी के फैसलों से परेशान हूँ, अपनों की बेवफाई से हैरान हूँ, कोई मुझे भी तो प्यार कर लो, कोई मुझे भी तो प्यार कर लो, मैं भी तो एक इंसान हूँ। थैंक यू। एक और लिखे कि मेरे पाले गए लोग मुझे चलना सिखा रहे हैं, मेरे पाले गए लोग मुझे चलना सिखा रहे हैं, आजकल के बच्चे अपने बाप को आंख दिखा रहे हैं। थैंक यू। एक और लिखे कि कोई नहीं पूछता क्या चाहते हो, दिल की बातें किसे बताते हो, बस हर कोई पूछता है कितने पैसे कमाते हो। एक है, थैंक यू। एक है कि अब वो मुझसे बेवजह लड़ने लगी है, बिना बात के मुझ पे शक करने लगी है, हर बात मुझे ही गलत कहने लगी है, लगता है वो किसी और पर मरने लगी है। एक और लिखा है कि वो मेरा ख्याल रखना भूल जाती है, उसकी ये आदत मुझे बेहद रुलाती है, मैं उसकी याद में रातें जगता हूँ, मेरे बिना वो कैसे सो जाती है।